बाहर फर्जी अल्ट्रासाउंड पर फर्जी लैबों पर भिजवाते हैं, जिनसे इनको मोटा कमीशन हर महीने प्राप्त होता है। ये सरकार में अपनी अच्छी पकड़ होने के नाते सरकार की छवि को धूमिल करते हैं और अपने आप को जो है बचा लेते हैं। कई बार CMO साहब से भी हमने शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। देखिए, स्वार में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वार में डॉक्टर देवेश चौधरी हैं, जो पिछले 7 वर्षों से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कई बार उनकी शिकायतें की हैं, विभिन्न लोगों ने उनकी शिकायतें की हैं। एक तो वो बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। अभी एक हम लोगों ने खिदमत आवाम युवा समिति के हमारे मंडल प्रभारी हैं, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक पर्चा है जिसका पंजीकरण संख्या 61545 है। मुकीमा नाम है, 16/8/2024 को इन्होंने ये देखिए पकड़ा है। इसमें 4 मरीजों के विद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड सहित इसमें संगलन है। ये बाहर फर्जी अल्ट्रासाउंड पर फर्जी लैबों पर भिजवाते हैं, जिनसे इनको मोटा कमीशन हर महीने प्राप्त होता है। हमने पिछली बार भी कई बार शिकायतें की है, तो उसमें भी ये आएगा कि ये सरकार में अपनी अच्छी पकड़ होने के नाते सरकार की छवि को धूमिल करते हैं और अपने आप को जो है बचा लेते हैं। ये कई बार CMO साहब से भी हमने शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ। अब DM साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है हमें कि जांच कराई जाएगी और दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लहिर गोल्डन है, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से नगर अध्यक्ष हूँ। हम चाहते ये है कि इनके खिलाफ जाँच हो, और जाँच में अगर ये दोषी पाए जाए तो इनका जिले से यहाँ से जिले से इनका स्थानांतर करके इनको कहीं और भेजा जाए, उनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा जाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।